समाचार तमारी भाषा में मेळववा माटे डाउनलोड करो गुजराती मिडडेनी एप। रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए। वो सीट ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। हम ज्यादा अनुभवी है महाराष्ट्र के नेता को जो भी कुछ हुआ वो मालूम देना वो हमारा अधिकार है। संजय राउत उद्धव जी को ओवरलोड करते होंगे तो उनका इश्यू है, संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं हमें संजय राउत के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं। सुबह मेरी मुकुल वासनिक जी से बात हो गई, आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा। और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है, बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है, समझ लो कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी तीन पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में, आज सुबह मैं पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से उनको पूरा मैंने जो मीटिंग में हो रहा है हो गया उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की। उद्धव ठाकरे जी से मुझे कुछ सूचनाएं मिली है, मैं उसका पालन करूंगा शाम तक, और मुझे लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा। सर, नाना पटोले का रवैया सर काफी अड़िग है, वो अड़ियल रवैया अपना रहे, जिस वजह से पूरा मामला फंसा हुआ ऐसी जानकारी सामने आ रही है। मुझे मालूम नहीं, शिवसेना के साथ कोई इस प्रकार का रवैया नहीं कर सकता, ये शिवसेना है, हम ज्यादा अनुभवी है महाराष्ट्र के। नाना पटोले हमारे साथी है, लेकिन कुछ सीट पर पेच है, वो दूर हो जाएगा। संजय राउत जी के नेता उद्धव ठाकरे जी है, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी है, और राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार जी जो हमारे टीम में, हम लोग रोसित से मीटिंग जो कमेटी जो है उसमें ना शरद पवार जी रहते हैं, ना उद्धव जी रहते हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ना राहुल जी रहते हैं। लेकिन हम लोग कमेटी जो बनी है उनके आदेश से बनी है, हमारे तीनों नेता के आदेश से बनी है। हमारी जवाबदारी है कि हमारे नेता को जो भी कुछ हुआ वो मालूम देना वो हमारा अधिकार है, वो देना पड़ता है। संजय राउत उद्धव जी को ओवरलोड करते होंगे तो उनका इश्यू है, हमें पता नहीं क्या है उनका, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो। लेकिन हम हमारे नेताओं को हम वास्तविकता बताना ये हमारी जवाबदारी है, और वो हमने काम किया है। संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं हमें संजय राउत के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं। सब्सक्राइब करो गुजराती मिडडे, बेल आइकॉन पर क्लिक करीने मेरे वो तमाम वीडियो ना डायरेक्ट नोटिफिकेशन।